आम बजट से पूरी देश की जनता सरकार की ओर देख रही है। कोरोना की मार से, अर्थव्यवस्था में गिरावट की मार से रोजमर्रा की तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऊपर से महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से जनता की अपेक्षा है कि महंगाई में गिरावट हो, जन लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनमें तेजी आए, नई योजनाएं आए, ताकि आम जन जीवन को राहत मिले। अभी की जो परिस्थिति है, रोजगार का संकट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रोजगार का सृजन हो, ताकि जो लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं उन लोगों को रोजी रोजगार मिले। बजट से यही अपेक्षा है। बजट से लोगों को अपेक्षा है कि विगत वर्षों में जो लोग बड़ी मुश्किल से यूपीए सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर खींच के लाए गए थे, वो लगातार गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, उन सब के लिए योजनाएं बने ताकि वो लोग वापस गरीबी रेखा से बाहर आ सकें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हुई, आधारभूत संरचनाएं कुछ इस प्रकार थी देश में कि ऑक्सीजन का किल्लत और हर तरीके की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की किल्लत विकट परिस्थिति में लोगों ने देखा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए लोग सरकार की ओर आंखें उठा के देख रही है। तो यही सब बजट से अपेक्षा है आम जनता को। हम चाहेंगे कि इस बार बजट बनाने में सरकार अपने मित्रों पर ध्यान न दे, उन पर ध्यान दे जिन्होंने उनको गद्दी पर बिठाया। कृपा शंकर शाही, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, सह प्रखंड प्रमुख कांटी। मैं रंजीत कुमार सोनी, कांटी प्रखंड प्रमुख पट्टी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि किसान को तो मजबूती दे ही दे, क्योंकि किसान आधारित मेरा देश है। किसान मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत होगी, और महिलाओं को भी आगे उठान करे इसकी उम्मीद है हमारी। करते रहे हैं सरकार, आगे भी करेगी, उम्मीद हम लगाए रखे हैं कि आने वाले बजट जो होगी महिलाओं को, गृहिणी को, उद्योग को बढ़ावा देगी, और बच्चे को जो अच्छा शिक्षा मिले उस पर भी बजट दे, शिक्षा के और स्वास्थ्य पर भी केंद्रित हो। हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि अच्छी बजट इस पर आएगी, ये उम्मीद है हमारी। मैं दादर कुलुआ पंचायत के मुखिया राम किशोर सहनी। ये अभी बजट जो पेश होने वाला है उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा इस न्यूज के माध्यम से कि ये बजट में सबसे ज्यादा भागीदारी राशि किसानों पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि किसान, ये भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 70-80% आबादी कृषि पर, उनकी जीविका चलती है, कृषि पर आधारित है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को उत्तम बीज, खाद समय पर, सिंचाई की सुविधा हो, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक राशि का उपयोग हो, बजट में इसकी भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी समस्या है यहाँ शिक्षा। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता दिनों दिन गिरती जा रही है, उस क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता है और उस पर व्यय करने की जरूरत है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी मैं बताना चाहूंगा कि रक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट में रखी जाए और उस क्षेत्र में भी अधिक से अधिक खर्च किया जाए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे देश के जो नौजवान सरहद पे निगरानी करते हैं देश के, उन्हें जो है किसी चीज की कमी ना महसूस हो, ना अस्त्र शस्त्र कपड़ा। अभी जो है ये लेह लद्दाख में जहां अभी अधिक ठंड पड़ रही है, उन लोगों को समुचित व्यवस्था हो उनके रहने सहने का, ये इसलिए रक्षा के क्षेत्र में भी पैसा खर्च हो। इस बजट में सरकार को ये सब चीज पर ध्यान देना आवश्यक है। शंकर प्रसाद सिंह, पूर्व मुखिया शहबाजपुर एवं उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। आपके न्यूज 20 को नमस्कार। और अभी जो बजट आने वाली है सरकार की, उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सही है
कि हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषकों की के ओर वर्तमान सरकार का जो ध्यान होना चाहिए वह है नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोग आज त्रस्त हैं अपराध हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, शिक्षा में कमी है। लेकिन सबसे पहले सरकार को नियंत्रण करना चाहिए महंगाई पर। महंगाई से एक एक आम जनता त्रस्त है। आज 250-300 रुपये लीटर कड़ू तेल बिक रहा है, कहाँ से आवेगा, कहाँ से लोग खाएगा, क्या करेगा। आज गैस का मूल्य 1000 रुपया हो गया और छूट आता है नाम का उसमें 70 और 60 रुपया, क्या फायदा हुआ जनता को। आज की सरकार नाजायज पैसा CID खुफिया विभाग में पत्रकारों पर की खुफिया जानकारी और जो राजनीतिक नेता हैं उनके खुफिया जानकारी लेने के लिए अरबों रुपया खर्च करती है। वह मेरा पैसा है, जनता का पैसा है। ये खुफिया जानकारी से जनता को क्या फायदा है जो आज सरकार कर रही है। आज की वर्तमान केंद्रीय सरकार का अमेरिका के न्यूज में आया है तो यह आम जनता को सोचना चाहिए कि यह क्या कर रहे हैं। सही बात है कि कुछ काम इन्होंने किया है, लेकिन अब ज़्यादा काम ऐसा हो रहा है जो सरकार के हित, ये अपना हित सोचते हैं, आम जनता का हित नहीं सोच रहे हैं। आज यूरिया की स्थिति है कि कहीं भी 300 से लेकर 500 रुपये बोरा मुजफ्फरपुर जिले में यूरिया काले बाजार में बिक रही है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जो व्यापारी खाद बेच रहे हैं ब्लैक लेके, उस सभी सरकारी तंत्र से मिले हुए हैं और एक भी दुकानदार पकड़ा नहीं जा रहा है। इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि अगले बजट में इस चोरी को बंद करें, महंगाई घटावें, पेट्रोल डीजल की स्थिति बिगड़ गई है, शिक्षा पर ध्यान दें और लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। यही मेरा आग्रह। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।